मतलब खराब चल रहा है बोले तो कैसे? बहुत मतलब गार्डन वाला आदमी कमाएगा तो यहाँ का आदमी भी कमाएगा, ऐसे ही है ना, उनके पास माल होगा तो आपके पास भी माल होगा। खराब क्लास 7 के सिविक्स बुक में एक चैप्टर है वीकली मार्केट, तो चलिए जानते हैं इस वीकली मार्केट के बारे में। आखिर ये वीकली मार्केट होता क्या है? वीकली मार्केट का मतलब होता है वंस इन अ वीक, वो मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगती हो। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिन वो सारे लोग बैठे रहते हैं, बाकी दिन वो अलग जगह में दुकान लगाते हैं। वीकली मार्केट होता क्या है उसका एक ओवरव्यू इस वीडियो में हम दिखा। कस्टमर्स जो होते हैं नियर बाई विलेजेस से आते हैं, और मैं भी एक तरह का कस्टमर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और हर ताज़ा चीज़ मिल जाता है, फ्रेश चीज़ मिल जाता है। परमानेंट शॉप नहीं होता यहाँ पर कोई भी, लोग नीचे ज़मीन पर रखकर बेचते हैं, और इनसे फ़ायदा ये होता है कि इनको कॉस्ट कटिंग हो जाता है हमारा, और एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो परमानेंट शॉप इनके पास नहीं होता। ज़रूरत का हर वो चीज़ मिल जाता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है, फल फ्रूट सब्जियाँ या फिर नाश्ते का वो कोई चीज़, या फिर कपड़े भी मिल जाते हैं इस मार्केट में। और इस मार्केट का एक खास बात यह है ना कि हम बड़ा ही फ्रेश चीज़ मिलता है, और बहुत सारी जगह में ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी मिलता है, मछलियाँ मीट वगैरह सब मिल जाते हैं। नाम क्या है? पुर्षा। 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 इसका क्या रेट है? 300 रुपए के जी। और ये वाला क्या छोटा वाला? तो नाम क्या है? चापला। और ये तो जानते हैं। और सिर्फ वो अंडा अगर खरीदना हो किसी को तो अंडा 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 वो कैसे? 200 रुपया। वैरायटीज ऑफ मछलियां यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ कबूतर कबूतर किसका है? आपका है? कैसे जोड़ा है? जोड़ा 400। बाप रे। ओ हंस, ये क्या है? ये बतख? बतख बतख गुरा है यार। 650। ये जानवर के लिए चारा है, अलग अलग रेट का, अलग अलग क्वालिटी का है। और ये तो वीकली मार्केट है जो लोगों के जरूरतों के हिसाब से है, लोगों को ये चाहिए, उनके पास जानवर है, जानवर को चारा की जरूरत होती है, तो चारा भी है वहाँ पर। दिस इज वीकली मार्केट। जैसा कि मैं बोला, जरूरत का हर सामान मिलता है यहाँ पर, जूता चप्पल जो भी लेना है इस एरिया से ले सकते हैं लोग अपने हिसाब से, नाप के बांध के देख के। हालांकि ऑनलाइन मार्केट के आ जाने से इनकी जो बिक्री है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग दुकानों में जा करके खरीदना पसंद करते हैं, कि वो ऑनलाइन से खरीदे, सस्ता भी होता है, देख के टिकाऊ भी होता है। कपड़े भी लोग इधर से खरीद लेते हैं, देखिए जमीन पे ही दुकान लगाते हैं, ये परमानेंट दुकान नहीं है, इससे इनको बिजली का रेंट का ये सारा पैसा बच जाता है। कपड़े भी बड़े सस्ते होते हैं, नए कपड़े भी मिलते हैं, पुराने कपड़े यूज्ड क्लोथ्स जो पर मिल जाते हैं, तो लोग जैसे जरूरत है वैसा खरीद लेते हैं। यही है वीकली मार्केट मेरे गाँव का। मार्केट में वैरायटी ऑफ चीज है, आप देख सकते हैं, कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, सब्जियां हैं, तो ये फायदा है वीकली मार्केट लगने का। वीकली मार्केट अगर हो तो हमें बहुत सारा सुविधा हो जाता है, सारी जगह सारी चीज एक जगह पर मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, फ्रेश चीज मिल जाता है। ये कप सेट वगैरह खरीदते हैं लोग, ये भी देखिए जमीन में ही लगाया हुआ है, बर्तन खरीदना है, कप सेट वगैरह खरीदना है, बर्तनों की दुकान है। और कितने बार ऐसा होता है ना, ये लोग ठग भी लेते हैं,
बहुत सारे लोगों को बहुत कम रेट का चीज बहुत ज़्यादा रेट में बेच पाते हैं। तो इस दुकान में, इस मार्केट में आने के बाद आपके पास बार्गेनिंग पावर भी होना चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं अच्छा, तो अच्छा आपको रेट मिल जाएगा। तो बार्गेनिंग करिए ज़रूर। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरों में हैं, जो उनको पता नहीं है कि वीकली मार्केट एक्चुअली होता क्या है। सिर्फ चैप्टर में पढ़ा देते हैं तो उनको लगता है हाँ इस तरह का होगा, लेकिन अगर इस वीडियो में देख लेते हैं ना, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ वीकली मार्केट। कपड़ा के अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, मुर्गा मछली कपड़े साग सब्जी। सबका है, सब आ रहा है। क्या नाम है इसका? डुंगडुंग साग। और ये बांबू है ना, बांस, ये कैसे भेजी, कैसे है? 30 रुपये हुआ। ये ले ले, एक टेस्ट करेंगे कैसा होता है। ये एक ले ले, कितना होगा? तुम ले लेना। तीन टा
दो साल पहले से है। हाँ दो साल पहले। दूसरा साग बदली करेगा वो कहाँ कर्मी साग कौन है ये वाला ये क्या है ये नहीं ये उससे हम फोन कर देंगे। देख लो अरे नोट फिर चलेगा नहीं हम लोग से नोट ठीक है ना বিশুদ্ধ বাড়িতে একদম পুরা ফল ফুল সব ফুলেছে।